शारदीय नवरात्र की शुरुआत हो चुकी है। नवरात्र के पहले दिन मां दुर्गा के पहले रूप शैलपुत्री की आराधना हो रही है। बाबा भोलेनाथ की धरती देवघर में भी माहौल भक्तिमय हो चुका है। यहां का हाल बता रहे हैं सहयोगी दीप नारायण। साल के बाद आखिरकार नवरात्र की पुरानी रौनक वापस लौटती दिख रही है। अभी हम लाइफलाइन डरवा नदी पर है और आप देख रहे हैं महिलाओं की ये लंबी कतार, और दूसरे तरफ ये देखिए ये महिलाओं की ये लंबी कतार जो कलश लेकर इस बार नवरात्र की शुरुआत कर रही है। बड़ी संख्या में महिलाएं इसमें हिस्सेदारी अपनी दे रही हैं। आप देखिए कि उत्साह और उमंग, ये उत्साह और उमंग है, 2 साल के बाद लौटी है देवघर में। इस बार भव्य रूप से नवरात्र का आयोजन किया जाएगा और उत्साह का ये आलम है कि सैकड़ों की संख्या में महिलाएं जो है वो दरवा नदी पहुंच रही है कलश भरकर। यहाँ छोटी बच्चियां हैं, महिलाएं हैं, सभी जो है वो कलश लेकर यहाँ पर ये विशेष आयोजन यहाँ पर किया जा रहा है। तो और उसके बाद देखिए तमाम जो आयोजक हैं, तमाम जो लोग हैं वो भी उत्साह से लबरेज हैं, जो कि अब बताइए कि 2 साल कोविड खत्म होने के बाद अब जो है ये उत्साह पुराना रौनक वापस लौटता दिख रहा है। आप लोग कितना उत्साहित हैं? सारे लोग उत्साहित हैं हम लोग, और पिछले 2 साल से जिस तरह से कोविड में लोगों ने दुर्दशा देखा है, दुर्दिन देखा है, अभी बहुत ही आसान्वित होकर के लोग माँ दुर्गा के चरण में आए हैं और नवरात्रि का ये शुभ दिन आया है। मैं अपनी ओर से तमाम देवघर वासियों को, तमाम झारखंड वासियों को, सबको हार्दिक शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाइयां देता हूं। बिल्कुल, देखिए बधाइयों का सिलसिला भी जारी है और आपको एक दृश्य दिखा दे रहे हैं। देखिए कितनी लंबी कतार है महिलाओं की, और इस बार 2 साल के बाद कह लीजिए ये उत्साह का आलम देवघर में देखने मिला। इस बार पंडित जी आप भी बड़े उत्साहित होंगे क्योंकि 2 साल बहुत पाबंदियां थी, इस बार एकदम खुले मन से माँ की आराधना होगी। कैसे कैसे पूजा पाठ इस बार कराएंगे आप और आज कैसे शुरुआत कैसे कर रहे हैं आज? जय माता दी। हम लोग का सौभाग्य की बात है कि हम लोग मनुष्य योनि में जन्म लिए हैं और उस पर भी शारदीय नवरात्र का अहोभाग्य की भगवती दुर्गा माता की कृपा होती है, जो हम लोग आश्विन महीने में उनका सेवा करने का मौका मिलता है। कल में शक्ति की पूजा अनिवार्य है। उस शक्ति की पूजा में सांसारिक भोग और उपलब्धि के लिए दुर्गा की आराधना की जाती। उत्साह और उमंग भक्तों में, यहाँ के पुरोहितों में और यहाँ के स्थानीय लोगों में देखा जा रहा है। 2 साल की जो कसर है वो पूरी होती नजर आ रही है। कुल मिलाकर पूरी बाबा नगरी आज माँ के आस्था के रंग में डूबी नजर आ रही है। कैमरा पर्सन मनोज के साथ दीप नारायण, न्यूज 11 भारत, देवघर के। दो लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज 11 भारत, सच है तो दिखेगा।